Very good morning students, I am your English teacher and today I will teach you English of class 3rd. Today we do part 3rd of chapter 4. बच्चों आज हम chapter 4 का 3rd part करेंगे और 3rd part में हम आज hard words सीखेंगे और उनके अर्थ उनसे बनने वाले सेंटेंस. सो ओपन योर बुक चैप्टर नंबर 4 द स्टोरी ऑफ ऑरेंज. देखिए बच्चों यहाँ पे मैंने हार्ड वर्ड्स को अंडरलाइन किया हुआ है तो आप भी अपने बुक में इन हार्ड वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे. चलिए मैं वर्ड्स बोलना स्टार्ट करती हूँ, आप अंडरलाइन करेंगे. काइंड्स, डिलीशियस, जूसी, एग्जैक्टली, कैरिड, ट्रेड, इंटरेस्टिंग, मोस्टली, बिटर एंड इंसेक्ट. बच्चों ये हमारे चैप्टर 4 के हार्ड वर्ड्स हैं. अब हम देखते हैं कि इन हार्ड वर्ड्स का अर्थ क्या होता है. चलिए देखते हैं, इस कॉपी में देखिए आप. देखिए इस कॉपी में क्लास 3rd है, चैप्टर 4 द स्टोरी ऑफ ऑरेंज. देखिए ये हमारे हार्ड वर्ड्स हैं बच्चों और यहाँ इनके मीनिंग यानी इनके अर्थ लिखे हुए हैं. अब इन वर्ड्स को हमने यहाँ पे सेंटेंस में यूज़ किया हुआ है कि हम किस तरह से सेंटेंस में यूज़ करेंगे. तो सी फर्स्ट इज काइंड्स. काइंड्स का अर्थ होता है बच्चों प्रकार. जैसे हर चीज़ के प्रकार होते हैं, जैसे आम कई प्रकार के होते हैं, संतरे ऑरेंज जो है वो भी कई प्रकार के होते हैं. तो ये काइंड्स यानी प्रकार. तो हम सेंटेंस हमने बनाया लेट मी टेल काइंड्स ऑफ नाउन, यानी कि नाउन के प्रकार बताइए. डिलीशियस, स्वादिष्ट, इट्स सुपर डिलीशियस. अगर मम्मी घर में कोई डिश बनाती है बहुत अच्छी बनती है तो आप कहते हो ना डिलीशियस, यानी बहुत ही स्वादिष्ट है. जूसी यानी रसीला, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा रस होता है तो उसे हम जूसी कहते हैं. तो दिस मैंगो इज सो जूसी. एग्जैक्टली पूरी तरह से, टेल मी एग्जैक्टली यानी पूरी तरह से बताइए. कैरिड लाया गया, ही वॉज कैरिड हेयर बाय एम्बुलेंस, यानी उसे यहाँ पर एम्बुलेंस के द्वारा लाया गया है. ट्रेड का मतलब होता है बच्चों व्यापार. तो हम यहाँ पे सेंटेंस आप बना सकते हैं कि ऑरेंज इज यूज फॉर इंटरनेशनल ट्रेड. तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस लिख लीजिए आप, बाय मिस हो गया है. ऑरेंज आर यूज्ड फॉर इंटरनेशनल ट्रेड. इसी तरह से इंटरेस्टिंग मज़ेदार, इट वॉज एन इंटरेस्टिंग मूवी. मोस्टली ज़्यादातर, मोस्टली आई गो बाय दिस वे. बिटर यानी कड़वा, इट इज़ बिटर ट्रूथ. जैसे कोई सच बात होती है वो बहुत कड़वी लगती है, बुरी लगती है तो हम उसे कह देते हैं कड़वी बातें. तो द इट इज़ बिटर ट्रूथ यानी कि ये जो सच है ये बहुत ही कड़वा है. इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े, दीज आर इंसेक्ट्स इन फ्रंट ऑफ मी, कि मेरे सामने ये कीड़े मकोड़े हैं. तो इस तरह से बच्चों चैप्टर 4 हमारे 3 पार्ट्स में कंप्लीट हो चुका है. पार्ट 1 पार्ट 2 वी ऑलरेडी डन एंड टुडे वी कंप्लीट पार्ट 3.
सो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.